यूपी में पट्टे की जमीनों पर छाया संकट। सरकार जमीनों को वापस लेने का प्लान बना रही थी, लेकिन सहयोगियों ने खोल दिया मोर्चा। अगर विपक्ष का विरोध नहीं होता तो न जाने क्या होता। क्यों ऐसा विधेयक लाकर जनता की जमीन छीनने का कानून बनाने जा रही सरकार। पहले अखिलेश, फिर अनुप्रिया और अब भाजपा के नेता भी जता रहे विरोध। सरकार को फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या है नजूल भूमि विधेयक, जिसके लागू होते ही यूपी के गांव-गांव में आ जाएगा भूचाल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से विधानसभा में नजूल भूमि विधेयक को पेश किया, उसको लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विधान परिषद में जबरदस्त हंगामे के बाद भले ही ये बिल फिलहाल लटक गया हो, लेकिन अगर ये लागू कर दिया जाता तो फिर उत्तर प्रदेश में तहलका मचना तय था। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पट्टे की हजारों लाखों जमीनें हैं और इन जमीनों का लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान हो या फिर गरीब, हर किसी के पास पट्टे की जमीन का सहारा है और ये जमीनें अभी की नहीं बल्कि सालों पुरानी हैं। इन्हीं जमीनों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार जो विधेयक लेकर आई है वो पूरी तरह से जनता विरोधी बताया जा रहा है। न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने, सहयोगियों ने भी इसका विरोध सदन में किया है। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को पेश किया और कहा कि कई बार जनहित के कार्यों में भूमि का प्रबंध करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे जनहित से सार्वजनिक कार्य होने में देरी होती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल सार्वजनिक हितों की योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। लेकिन इस विधेयक को पढ़कर सपा और कांग्रेस के साथ साथ भाजपा नेताओं और एनडीए के सहयोगियों ने भी विरोध जता दिया। ऐसे में अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस विधेयक में था क्या, नजूल भूमि होती क्या है और नजूल भूमि एक्ट में क्या कुछ लिखा गया है। चलिए आपको बताते हैं। देश में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान उनका विरोध करने वाले राजा रजवाड़े या फिर आंदोलनकारियों की जमीन को छीन लिया जाता था। इसी जमीन पर ब्रिटिश हुकूमत अपना कब्जा जमा लेती थी। ऐसी जमीनों को नजूल संपत्ति कहा गया है। भारत की आजादी के बाद इस जमीन और ऐसी संपत्तियों का अधिकार राज्य सरकारों के पास चला गया, जिसे सरकार लीज पर यानी के पट्टे पर देने लगी। राज्य सरकार द्वारा नजूल की जमीन को लीज पर देने की मियाद 15 साल से लेकर 99 साल तक की हो सकती है। इस तरह की भूमि हर राज्य में है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की काफी भूमियां हैं। यूपी सरकार इसी भूमि को लेकर ये विधेयक लाई थी। इन संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें अस्पताल, स्कूल और पंचायत घर शामिल हैं। इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नजूल संपत्ति का पट्टा किया गया है और उस पट्टे का किराया नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है तो, और अगर उसमें किसी तरह के अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को 30 साल के लिए पट्टे का रिन्यू दिया जाएगा। अगर पट्टे का वक्त पूरा हो चुका है तो वो संपत्ति राज्य सरकार वापस ले लेगी। वहीं अगर पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद नजूल संपत्ति का इस्तेमाल हो रहा है तो पट्टे के किराए का निर्धारण डीएम द्वारा फिर से किया जाएगा। नियमों के मुताबिक इस तरह की संपत्ति का हस्तांतरण तो किया जा सकता है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। उस पर सरकार का ही मालिकाना हक हमेशा रहता है, लेकिन उसके उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। चूंकि इस तरह की जमीनें अंग्रेजों के जमाने की हैं और उस पर अलग अलग निर्माण हो चुके हैं, ऐसे में इसके हस्तांतरण तो कई बार हुए लेकिन मालिकाना हक सरकार का रहा। अब डीएम अगर ऐसी संपत्तियों के किराए का पुनर्निर्धारण करेंगे तो फिर वर्तमान के हिसाब से उनकी कीमतें काफी ज्यादा हो सकती हैं। यही वजह है इस विधेयक का सीधा असर जनता पर पड़ेगा। या तो उनकी पट्टे की जमीन चली जाएगी या फिर उन पर किराया बढ़ा दिया जाएगा। विधेयक के सामने आते ही ना सिर्फ विपक्ष, सत्ता पक्ष के तमाम बड़े चेहरों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सदन में पहले भाजपा विधायकों ने विधेयक का विरोध किया तो इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने खुलेआम इस पर सवाल खड़े कर दिए। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।